17 सितंबर नूं पीएम मोदी का जन्मदिन है। 71वां जन्मदिन पीएम मोदी दे वल्लों मनाया जाना है, लेकिन इसे नूं लैके बीजेपी वर्करां दे विच खासा उत्साह है, जिन्हां दा कहना है कि वह लोक भलाई के काम करके ये सैलीब्रेशन करनगे। चंडीगढ़ दे विच बीजेपी के प्रधान अरुण सूद दे नाल साडे पत्रकार ने गलबात की है, जिस उन्होंने दस्सिया कि किवें नवीं मुहिम चलाईया जाएगियां। 15-20 दिन की यह सैलीब्रेशन होएगी, जिस दे विच लोक भलाई के काम लोक सेवा के काम किए जाएंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। होर की कुछ कहा अरुण सूद ने, तुसीं भी सुनो। 17 सितंबर नूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है, तो 71वें जन्मदिन के उत्ते चंडीगढ़ भाजपा 20 दिन तक उन्होंने जन्मदिन को सैलीब्रेट करेगी। वो सैलीब्रेट किस तरीके किया जाएगा, इस बारे गल करते साढ़े नाल हैगे चंडीगढ़ भाजपा के प्रधान अरुण सूद जी। गल करते सूद साहब, किस तरीके जिहड़ा तुसीं दस्सिया कि सेवा समर्पण अभियान तुसीं शुरू कर रहे हो, तकरीबन 20 दिन का हो, की कार्यक्रम रहेगा, असीं उहदे बारे गल। 17 सितंबर नूं देश के प्रधानमंत्री और पूरी दुनिया के सब ना लोकप्रिय लीडर नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस है, और 7 अक्तूबर नूं देश दे प्रधानमंत्री नूं जन प्रतिनिधि दे नाते 20 साल पूरे होण जा रहे हैं, ते लगभग 13 साल वो गुजरात दे सीएम रहे ने, फिर प्रधानमंत्री हुण रहे ने। 7 अक्तूबर 2001 नूं जदों उन्होंने शपथ लीती सी, 20 साल उदन पूरे होण जा रहे हैं, तो असीं 17 सितंबर तो 7 अक्तूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चला रहे हैं, जिदे तहत असीं अपने प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस जिहड़ा है 71वां जन्म दिवस, वो कोई सैलीब्रेशन ना करके कोई केक ना कट के आम जन मानस जिहड़ी गरीब जनता है जिहड़े जरूरतमंद ने उन्हां लोगों की सेवा करके कर रहे हैं, जिदे विच असीं स्वास्थ्य रिलेटड जिहड़े है ने खूनदान कैंप लगाए जा रहे हैं, टीकाकरण कैंप लगाए जा रहे हैं, मैडिकल चैकअप कैंप लगाए जा रहे हैं, जिहड़े जरूरतमंद लोग ने उन्होंने लिए सेवा कर रहा। असीं 25 सितंबर नूं बूथ लैवल दे उत्ते जाके हर बूथ दे उत्ते जिहड़े लोग ने नीडी ने उन्होंने जिस तरीके की भी जरूरत है वो करांगे। 2 अक्तूबर नूं असीं हर बूथ ते चंडीगढ़ दे सफाई अभियान चलावांगे, पूरे 20 दिन भी स्वच्छता का अभियान चलता रहेगा। प्लास्टिक जिहड़ा चंडीगढ़ की चोह ने वो या चंडीगढ़ दीआं लेक्स ने उत्थे प्लास्टिक जिहड़ा हैगा उहनां दा पानी दी बाधित करदा पानी नूं जाण नूं, उहदे असीं सफाई दे अभियान चलावांगे। सिंगल यूज प्लास्टिक लोग ना यूज़ करने दे शपथ दे प्रोग्राम होणगे, पौधा रोपण के प्रोग्राम होणगे। इस तों इलावा मोदी जी के जीवन के उत्ते प्रदर्शनी होएगी, ई प्रदर्शनी होएगी, सैमीनार्स होणगे, अपना वर्चुअल रैलियां होणगियां, और इस तरीके दे नाल जिहड़े कोविड के दौरान बच्चे जिहड़े अनाथ हो गए ने उन्हां नूं पीएम केयर फंड चों पूरे जीवन भर दा उन्हां दा खर्चा जो सरकार ने अनाउंस कीता मिल सके, उन्हां दी रजिस्ट्रेशन कराउण दा काम करांगे। और इस तरीके दे नाल बहुत सारे हो रहे आमां तिकर जिन्ने भी शहर के कुष्ठ आश्रम ने, अनाथालय ने, गरीब बस्तियां ने, झुग्गी झोंपड़ियां ने, पिंगलवाड़ा है, वो सारे जाके असी फ्रूट मिठाइयां वंडन का काम ताकि वो लोग भी अपने देश के प्रधानमंत्री की खुशी मना सकन। इस तरीके से सेवा के काम सेवा और समर्पण अभियान के तहत असी करन जा रहे हैं, और ये पूरा अभियान 20 दिन तक 17 सितंबर तो लैके 7 अक्तूबर तक चलेगा। सूद साहब, जिथे तक तुसी दस रहे हो कि इन्ने सारे कार्यक्रम तुसी रखे, तुसी मनदे हो कि ये कार्यक्रम दे विच विघन भी कई तरह के होने हैं, क्योंकि असी पिछले दिनों देखिया कि भावें पंजाब तो हो ही रहे हैं विरोध, चंडीगढ़ दे विच भी काफ़ी विरोध हो रहा है भाजपा आगुआ का, तुहाडा भी विरोध होया कई कार्यक्रम दे विच, मेयर साहब का विरोध होया, तुसी मनदे हो कि ये कार्यक्रम बड़ी आसानी दे नाल या बड़े ईजली तरीके नाल हो पा? जिन्हां ने विरोध करना है जी वो विरोध करन, लेकिन मेरी सिर्फ इन्ना कि निवेदन है, देश की जनता चंडीगढ़ की जनता देख रही है, जे उन्हां दा विरोध करना उन्हां दा लोकतांत्रिक और संविधानिक हक है, तो कार्यक्रम करना और अपने नेता का जन्मदिन मनाना मेरा भी संविधानिक और लोकतांत्रिक हक है। दूसरी गल जिहड़ी रह गई विरोध की, और विरोध कौन लोग कर रहे हैं, तुसीं कहा तुहाडा भी विरोध होया, मेरा बड़ा भारी विरोध होया, दो बंदे आए, एक बंदे ने काला झंडा कढ़िया, दूसरे ने वीडियो बनाई और वीडियो कांग्रेस के प्रधान नूं 5 मिनटां दे अंदर भेजती, 10 मिनटां दे अंदर कांग्रेस के प्रधान ने उन्हूं सोशल मीडिया से पा दिता। ये मेरा विरोध होया, बहुत भारी विरोध होया, और ये पिछे की किस तरीके दिया मैं समझना कि शायद अज बीजेपी का जिहड़ा कार्यक्रम से जिथे दो बंदे आए उत्थे 580 समाज के लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया, बीजेपी की ताकत का अज सामना सीधे रूप से नहीं कर सकते, इस करके वो किसी ना किसी झंडे के तहत आ के चाहे वह कांग्रेस पार्टी होवे, चाहे आप होवे, चाहे कोई होर होवे, और ये इन सब चीज़ों ना पार्टी की जिहड़ी गति है, पार्टी के कार्यक्रम है, पार्टी का प्रवाह है, वह रुकन नहीं वाला। असी अपना शांतिपूर्वक तरीके ना, अपने लोकतांत्रिक तरीके दे नाल, संविधानिक तरीके दे नाल अपने प्रोग्राम करते रहेंगे, हाले पहला भी करते रहे हैं,
रोज़ अज 25 तो लैके 50 तक रोज़ के कार्यक्रम बीजेपी के होंगे है और जदों जो चुनाव नज़दीक आता जाएगा होर बढ़ता जाएगा असी इनू कोई रोकन नहीं वाले हैं। पर सूर साहब गल करिए अगर पंजाब की किसान आगू वालों साफ कह दिया गया है कि पंजाब दे विच किसी भी पार्टी नू चोन रैली नहीं करन दित्ती जाएगी जब तक चोन अनाउंस नहीं होंदे कि चंडीगढ़ दे विच अगर ऐसा दी कोई प्लानिंग होंदी है तो उहदे लई की तैयारी हैगी पार्टी कोई वर्चुअल तौर पर ही सिर्फ रैलियां करेगा कि फिजिकल भी रैली बिल्कुल फिजिकल करांगे जी असी जो जिन्ने भी कार्यक्रम जो कोरोना की स्थिति होएगी उहदे प्रोटोकॉल के हिसाब के नाल जो प्रशासन वालों नियम कायदे तय किए जाएंगे असी उहदे तहत प्रोग्राम करांगे लेकिन कोई सानू डिक्टेट करेगा कि असी नहीं करन देंगे इहदे नाल बीजेपी जिहड़ी हैगी उह ना डरन वाली है ना रुकन वाली है ना चुकन वाली है। अच्छा सूर साहब चोणां आ रही हैं कोई ज़्यादा दूर नहीं हैगी चंडीगढ़ नगर निगम की चोणां हैगी हैं तो की तैयारी हैगी भाजपा दे कोल किहड़े मुद्दे होंगे जिहड़े 5 साल च काम किए डिवेलपमेंट के सिर्फ और डिवेलपमेंट के मुद्दे पर होएगा या कुछ नवीं चीज़ा भी तुसीं लोगों के लिए जिहड़ी इंट्रोड्यूस करो कि कोई नवी चीज़ें लैके आ रहे हो जो जो काम अगे किए जाने उहदी भी कोई रूपरेखा। बिल्कुल जी जिहड़ा पिछले 6 सालां दे विच कारपोरेशन दे विच साडे मेयरां दे नेतृत्व दे विच जो काम विकास दे काम होए ने और साडी एमपी दी रहनुमाई दे विच 7 साल दे विच प्रशासन दे विच चाहे प्रशासन या स्मार्ट सिटी दे तहत जो काम होए ने उहनां सारे कम्मां नूं असीं एक डाकूमेंट दे रूप दे विच इक बुकलेट बना के लेके आ रहे हैं। अक्तूबर महीने दे विच असीं महा जनसंपर्क अभियान शुरू करन जा रहे हैं असी हर बूथ के उत्ते हर वोटर नू हर व्यक्ति नू उहदे घर जाके मिलांगे उन्हों वो जानकारी देंगे कि किस तरीके ना विकास नू भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6-7 सालां च गति दी है। साडा इक्को एक मुद्दा रहेगा विकास और असी एक विजन डाकूमेंट भी देंगे जिदे विच असी साडा फ्यूचर दे विच जिहड़े इशूज़ ने उहनां दे उत्ते साडी की प्लानिंग है या शहर की डिवेलपमेंट के लिए साडा की नक्शा है वो असी बड़ी कलैरिटी के नाल लोगों के अगे रखांगे। अरुण जी लोगों के बीच एक वड्डा सवाल हैगा कि बीजेपी अनाउंसमेंट बहुत कुछ करती है कि सैनिटेशन का बड़ा अच्छा काम किया है सड़कों का बड़ा अच्छा काम किया है लेकिन डिवेलपमेंट जी होनी चाहिए सो असल दे विच हो ही नहीं है कितने जी सीवरेज की प्रॉब्लम है कितने सड़कों की प्रॉब्लम हालांकि ये तो मूलभूत सुविधावान हर पास इस तरह की प्रॉब्लम लेकिन लोगों के मन के क्यों हैगा कि बीजेपी ने कुछ किया नहीं सिर्फ वो डिवेलपमेंट के नाम से सिर्फ वोटा बटोरन का काम कर रही है सिर्फ अपना प्रचार के उत्ते ही जड़ा पैसा खर्च करने के उत्ते लगी ऐसा जी कि मैं पता नहीं तुहाड़ी ये फीडबैक कितों है ये हो सकता है कांग्रेस के आप वाले लगता हो लेकिन मैं भी लोगों के विचरदा मैं भी जनप्रतिनिधि भी हाँ और पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं शहर के कोने कोने के प्रवास भी करदा और जिस तरीके का तुसी किसी भी बेसिक अमेनिटी का किसी भी मूलभूत सुविधा का नाम लो मैं तुहानूं दसांगा कि बीजेपी ने किन्ने क्रांतिकारी प्रदर्शन किए। असी पानी की गल ले लीए पानी के विषय के 15 साल तो कांग्रेस के मेयर जिहड़ा काम नहीं कर सके सीगे उन्होंने एमपी हुंदियां भी उन्होंने पंजाब हरियाणा सरकार हुंदियां भी 2016 च आके जो अपने खट्टर साहब सीएम बने और इधरों बादल साहब सीएम सी मैं मेयर बनया तो मैं वो 29 MJD पानी का जोड़ा है क्लीयरेंस मैं लैके आया NOC दोनों स्टेटा तो और 300 करोड़ रुपया अरुण जेटली जी सेंटर गवर्नमेंट तो मैं लिया के अज शहर 29 MJD पानी दिता है जोड़ा 100 साल शहर की पानी की किल्लत दूर कर दिता शहर के पानी की कपैसिटी पानी शहर का कजौली तो 29 किलोमीटर दूर तो आंदा रस्ते पाइपलाइन कई बार ब्रेक होंगी रही है शहर के कई बार 3-3, 4-4 दिन हफ्ता पानी नहीं आता रहा शॉर्टेज होंगी रही अज पानी की कपैसिटी जी शहर की सी अधे दिन की सी जे सवेरे पानी आता सी तां शाम नूं दिंदे सी शाम नूं स्टोर करदे सी तां सवेरे दिंदे सी बीजेपी ने आके वो शहर की पानी की कपैसिटी नूं पूरे दिन का डबल कर दिता। बीजेपी ने एक प्रोजैक्ट लिया एक 24/7 पानी का जिहदा एजेंडा टेंडर लग रहे ने 100 करोड़ की सबसिडी फ्रांस गवर्नमेंट तो मिल रही है 600 करोड़ की 600 करोड़ का प्रोजैक्ट है जिहदे विच देश का पहला शहर चंडीगढ़ होने जा रहा है जिदे 24 घंटे पानी जिहड़ा है टूटी खोलो तो पानी उपलब्ध रहेगा। मैं तुहानूं एक फील्ड दस्या बिजली स्ट्रीट लाइट के खेत्र के जिहड़ा हैगा तुहाडा अज शहर के एक पोल तुसीं दिखा दिओ मैनूं जिदे ते कोई लाइट बंद होवे डार्क स्पॉट सारे खत्म कर दिते सारियां LED लाइट्स कन्वर्ट करके एनर्जी सेविंग करके पैसा बचाया सारे शहर के 1900 ज़्यादा तो ज़्यादा पार्कों के अज ग्लोब लाइट्स लगिया हुई ने जिथे स्नैचिंग होंगी सी जिथे बदतमीजियां होंगे सी अज उ हर पार्क शहर का एक पार्क तुम दिखा दो जिद लाइट नहीं लगी 2-4 जो प्रोसैस है टेंडर के हो रहा शहर के साइकिल ट्रैक जिथे साइकिल असी प्रमोट कर साइकिल शेयरिंग सिस्टम लिया लेकिन साइकिल ट्रैक जोड़े ने वो सारे शहर के बिछाए भी नहीं उन्होंने कारपेटिंग उन्होंने प्रूनिंग और अज सारे LED लाइट्स लगिया ने तुसी एक बेसिक अमेनिटी अज सारा शहर सर्वेलेंस दे विच है
सारे शहर के हाई डेफिनेशन कैमराज ने, अज लोग ट्रैफिक नियमों की पालना करन दे लई पूरे प्रतिबद्ध ने। तुसी एक इंच जैबरा लाइन नहीं क्रॉस कर सकते, तुसी अपना की कहिंदे उहनूं रैड लाइट नहीं क्रॉस कर सकते, तुसी स्पीड लिमिट नहीं कर सकते, हैलमेट चला मास्क सब चीज़ां दे तुहाडे घरे चलाण आएगा। लोग कानून नूं मन्नण दे लई प्रतिबद्ध होए ने, इहदे नाल जान माल का भी नुकसान होण तों रुकेगा और कानून व्यवस्था भी स्नैचिंग ते भी ठंड पेगी। सो मेरा लास्ट सवाल तुहाडे तों, दिसंबर दे विच जिहड़ी चोणां होणी है उस दे विच बीजेपी दा मुकाबला पहला तो कांग्रेस के नाल ही होया सीगा, लेकिन हुण आम आदमी पार्टी भी मैदान च आ रही है, की मनदे हो कि जिहड़ी फाइट है जिहड़ी वह टाइट रहेगी कि बड़ी ईजली जिहड़ी बीजेपी इहदे विच अपनी जित हासिल करे? देखो जी, सब नालों पहला तो मैं तुहानूं दस देवां कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव नूं चुनाव की तरह लैंदी है। एक असी कदे भी ओवर कॉन्फिडेंट हो के या कदे भी ओवर आत्म विश्वासी हो के चुनाव नहीं लड़ते। मेरे खुद की भी नेचर है और मेरी पार्टी की भी कार्यशैली है, असी चुनाव नूं चुनाव की तरह लड़ रहे हैं, असी संगठन नूं बहुत मजबूती दे रहे हैं। अज पार्टी दे विच छे मोर्चे ने, उह मोर्चिआं दा असी मंडल लैवल तक गठन किया, 17 साढ़े अपना प्रकोष्ठ ने उहनां दा असी पूरा थले लैवल तक गठन किया, 27 डिपार्टमेंट ने उहनां दा असी सारा गठन किया, बूथ लैवल तक असी बूथ समितियां और फिर उद्दू बाद पन्ना कमेटियां, हर वोटर पेज के उत्ते असी 3 लोगों की कमेटी, 60 वोटां के उत्ते 3 लोगों की कमेटी बनाई है। इस करके मैं बिल्कुल अपनी पार्टी की मजबूती जिहड़ी है एक उहनूं होर दिन पर दिन वधा रहे हैं। टोटल चंडीगढ़ के मिस्ड कॉल देना बीजेपी के 92,000 लोग मैंबर बने से, जिदे तो 35 तो 40,000 लोगों असी डायरैक्ट जिम्मेवारी दे चुके हैं और संगठन असी होर होर रोज़ रोज़ जिमें जिमें चुनाव नज़दीक आ रहा ज होर मजबूती दे रहे हैं। इस तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा, मैं तुहानूं विकास की जी गल की है, दो चीज़ां ने जिहड़ियां साडियां, रहा मुकाबला, कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है शहर देश भर दी शहर की एक पुरानी पार्टी है, लेकिन अज कांग्रेस की जो हालत है, कांग्रेस को ना तो संगठन है और किस तरीके का बखराव कांग्रेस के उस दे नाल असी देख रहे हैं कि पूरे देश भर के जो कांग्रेस का वजूद खात्मे बनी है, उस तरीके ना चंडीगढ़ के भी कांग्रेस की उही दशा हो रही है। वो वजह कांग्रेस का परिवारवाद है, चंडीगढ़ के भी जोड़े लोग छड़ के जा रहे हैं वो परिवारवाद के रूप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस संगठन नहीं खड़ा करता, कांग्रेस में परिवार चलाते हैं, जबकि बीजेपी उल्ट है, बीजेपी जी हैगी संगठन कार्यकर्तावान की पार्टी है। और रही आम आदमी की पार्टी की गल, वो तो पता है कि उन्होंने मैं तुम्हें चंद्रमुखी जी जे कांग्रेस तो आए हैं, छाबड़ा साहब जोड़े कांग्रेस तो आए हैं, हूँ धवन साहब भी कल तिकर कांग्रेस के नाल अलायंस की गल कर रहे थे, अज आप छो गए ने। मैं चौथे बंदे का नाम दस दौ जो शहर का चेहरा मोहरा हो। इस करके आम आदमी वो कह आम आदमी पार्टी बारे तो यही है कि कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुनबा जोड़ा, तो उस आधार के उत्ते कितों लियांदे वे बंदियां नूं कांग्रेस आम आदमी पार्टी खो खो खेड के शायद वो बीजेपी नूं हरा पाणगे। मेरे ख्याल सपना मुंगेरी लाल का सपना रह जाएगा, लेकिन असी फिर भी पूरी ताकत दे नाल पूरी अपनी संगठन की जिहड़ी हैगी है दृढ़ता दे नाल और जिहड़ा विकास असी पिछले सालों के विच कीता है उस मुद्दे के उत्ते असी चुनाव लड़ांगे और मैनूं पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 35 दियां 35 सीटां ते बीजेपी का परचम लहराएगा। और असी कहिंदे नहीं करके दिखाया, पिछली बार भी असी 22 सीटां लड़े सीगे, 2016 च मैं मेयर सी, असी 22 सीटां लड़े सी, 22 सीटां चों 20 बीजेपी जीती सी, 1 बीजेपी का रैबल जितया सी जिहड़ा अज पार्टी के विच है, 1 सीट सिर्फ कांग्रेस सानू हरा पाई सी और अज साडा संगठन उदू भी मजबूत है और असी विकास नूं एक नवीं गति दित्ती है, वो एक वाली कमी भी इस बार पूरी कर देंगे। अकाली दल 4 सीटां लड़िया सी, 3 सीटां वो हारे सीगे, अज अकाली दल ना साडा अलायंस नहीं, बीजेपी पूरियां सीटां ते लड़न जा रही है। इस करके बीजेपी अपनी ताकत दे बल दे उत्ते और कार्यकर्तावां दी मेहनत दे बल दे उत्ते असी एक बहुत वड्डी जित बनी अगे वध रहे हैं। सो ही सीगे भाजपा प्रधान अरुण सूद, जिन्हां ने साफ किया है कि साड़ी जित पूरी तरीके नाल जिहड़ी रहेगी ते नाल नाल जिहड़ा 71वां जन्मदिन प्रधानमंत्री दा बनाया जा रहा है, तो उस दौरान 20 दिन जिहड़े कार्यक्रम किए जाने उहदी रूपरेखा पूरी अरुण सूद वल्लों दसी गई है। चंडीगढ़ तो कैमरामैन प्रवीण पांडे दे नाल अंकुश महाजन, दैनिक सवेरा।